आ जाएगा बेटा, फ्लड आ जाएगा। ठीक है, फ्लड आ जाएगा, बात समझ में आया। लेकिन अभी इसको होने में बहुत टाइम है, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, अब इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अब यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है, देख लो। यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जेई ने पूछा था ये, इसको ये याद रखना है आपको। CO2, H2O, वेपर, CH4, N2O, O3, ये सारी की सारी क्या होती है बेटा, ग्रीन हाउस गैसेज होती है, ठीक है ना। ये सारी की सारी आपकी क्या होती है बेटा, ग्रीन हाउस गैसेज होती है, आपको ध्यान रखना है बेटा ये सारी की सारी। क्लियर है, समझ में आया। अगर आपसे पूछे कि विच इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैसेज, तो आप लोग बता सकते हो इसके अलावा जो होंगे वो आपके ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होंगे। अब आपसे क्वेश्चन कहाँ पूछेगा, ग्रीन हाउस गैसेस की अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा, समझ में आया। और ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, ये दो क्वेश्चन यहाँ से आने के लायक है, ये पहला, ये आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया, याद रखोगे ये मैकेनिज्म, समझ में आया क्या चल रहा है एक्चुअली तुम्हारा। चलो ठीक है फिर, तो और एक है ना CFC भी होता है ग्रीन हाउस गैसेस में, CFC भी होगा। और CFC क्या होता है बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि क्या करता है, प्रोड्यूस बाय AC एंड फ्रिज या फिर रेफ्रिजरेटर। बात क्लियर है, समझ में आया, क्लियर रहेगा तो ध्यान रहेगा बेटा। आगे देखो, अब आगे देख लेते हैं बेटा, अगला एक और टॉपिक समझ लेते हैं, एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन। एनवायरनमेंट में हमारा क्या क्या होता है बेटा, एनवायरनमेंट में हमारा क्या क्या होता है, एक हमारे पास H, देखो सबसे पहले क्या होगा, पानी तो होता ही है और CO2 गैस होता है, ठीक है ना। ये आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं, H2CO3, आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं, H2CO3। H2CO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, और इसका pKa वैल्यू मैंने लिखाया था कितना होता है, 6.8 लिखवाया था ना, इसका pKa वैल्यू कितना होता है बेटा, 6.8। अब ध्यान रखना H2CO3 है, समझ में आ गया। तो देखो H2CO3 क्या होगा, समझना इधर। अब नॉर्मल वाटर का pH कितना होता है, नॉर्मल वाटर का pH 7 होता है, नॉर्मल वाटर का pH कितना होता है, अब मुझे जो बारिश से जो पानी मिलता है उसका pH भी कितना होना चाहिए, 7। लेकिन उसका pH 7 नहीं होता, क्यों नहीं होता समझना। अब समझना क्यों नहीं होता, उस चीज़ को समझना। अब यहाँ पर एनवायरनमेंट में मेरे पास क्या है, कार्बोनिक एसिड है ना, कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, यहाँ से जो रेनी वाटर रहेगा, कौन सा, रेन वाटर के साथ रिएक्ट करता जाएगा एनवायरनमेंट में ही, और एनवायरनमेंट में ही जब भी आपका रेन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर रेन वाटर को क्या कर देगा, एसिडिक कर देगा, क्या कर देगा, एसिडिक रेन वाटर होगा। और इसीलिए रेन वाटर का pH आपका कहाँ से कहाँ लाई करता है, pH आपका 5.6। अगर pH, हाँ अब सुनो, अभी हम इसको एसिड रेन नहीं बोलेंगे, यहाँ पर अभी हम इसको एसिड रेन नहीं बोलेंगे, ये जनरली रेन वाटर का pH होता है। वैसे वाटर का pH कितना होना चाहिए बेटा, वैसे वाटर का pH कितना होना चाहिए, 7। लेकिन रेन वाटर का pH किसकी वजह से कम होता है, 5.6 क्यों होता है, कार्बोनिक एसिड की वजह से, किसकी वजह से होता है, कार्बोनिक एसिड की वजह से। बात समझ में आ रही है मेरी, मैं जो सोच रहा हूँ वो आप सोच पा रहे हैं ना, देखो कार्बोनिक एसिड की वजह से।
अब अगर ये तो जनरली एसिड आपका जो रेन वाटर हो, अभी बताओ अगर मैं पूछूं फाइनली रेन वाटर का पीएच जो आपके अर्थ सरफेस पे आ रहा है उसका पीएच कितना होगा? 5.6 ही होगा, वो तो एनवायरनमेंट में रिएक्ट कर ही जाएगा ना, ठीक है? एनवायरनमेंट में ये हमेशा आपका प्रेजेंट रहेगा, ये ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, लेकिन क्या होता है एनवायरनमेंट में आपका कभी कभी क्या होता है SO2 ज़्यादा होता है, SO2 भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये तो क्या है बेटा H2SO4, ये इसमें और H प्रोवाइड कर देगा, ये इसमें और H प्रोवाइड कर देगा कि नहीं कर देगा, कर देगा। और इसके साथ साथ NO2 भी होता है, NO2 और H2O, ये इसमें और H प्रोवाइड कर देगा, HNO3 बन जाएगा, HNO3 भी एसिडिक होता है और H2CO3 भी, H2SO4 भी आपका कि क्या होता है एसिडिक होता है, दोनों इसमें और H प्रोवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे और एच प्रोवाइड कर देंगे, और एच प्रोवाइड करते ही पीएच क्या हो जाएगा, पीएच आपका 5.6 से लेस हो जाएगा, और अगर किसी भी रेन वाटर का पीएच अगर 5.6 से लेस हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, उसको एसिड रेन की कैटेगरी में डाल देंगे, उसको कौन से कैटेगरी में डाल देंगे हम लोग, एसिड रेन की कैटेगरी में। कंसेप्ट क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ, कैसे हुआ, उसको हम कौन सी कैटेगरी में डाल देंगे एसिड रेन की कैटेगरी में, अगर मैं उसको एसिड रेन की कैटेगरी में मैंने डाल दिया तो वो क्या हो गया बेटा, अब क्या होगा एसिड रेन की क्या दिक्कत करता है समझो, अब एसिड रेन की वजह से क्या होगा आप समझना, अब देखो तो तुम्हारे पास ताजमहल है, अब ताजमहल है ना, अब देखो ताजमहल था, इसका कलर क्या होता जा रहा है बेटा, वाइट कलर डल होता जा रहा है, बना किससे, वाइट मार्बल से, वाइट मार्बल से, ठीक है, जब तक इस पर 5.6 पीएच वाला वाटर पड़ेगा तब तक इसको कोई फर्क, तब तक इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये आपका सिचुएटेड कहाँ पर है, आगरा में, आगरा के आस पड़ोस में क्या है, इंडस्ट्री है, आस पड़ोस में क्या है बेटा, आस पड़ोस में यहाँ पर इंडस्ट्री 1, यहाँ पर इंडस्ट्री 2, यहाँ पर इंडस्ट्री 3, यहाँ पर इंडस्ट्री 4 बना दिया मैंने, इंडस्ट्री है यहाँ पर आपकी क्या है बेटा इंडस्ट्रीज़ है। अब ये इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही है, इंडस्ट्री क्या कर रही होगी सोचो, पीएच को कम करना है 5.6 से, तो इंडस्ट्री क्या कर रही है, ऐसे फ्यूल का यूज़ कर रही है जिससे हमारा क्या निकले SO2 और CO, वो SO2 और NO2, समझ में आया, इंडस्ट्री कौन से फ्यूल का कर रही है यूज़, SO2 और NO2 फ्यूल का, और उस फ्यूल की वजह से वो फ्यूल मतलब सॉरी इंडस्ट्री ऐसे फ्यूल का कर रही है यूज़ जिससे हमारा कौन सी गैस निकल रही है SO2 और NO2। तो यहाँ पर जब भी क्लाउड आएंगे, यहाँ पर जब भी क्लाउड आया वो इस रीज़न में, तो यहाँ पर SO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर SO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर SO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और यहाँ पर भी SO2 का आस पड़ोस में SO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और NO2 का भी ज़्यादा है। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है? अब SO2 NO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जैसे ही ऊपर से बारिश का पानी किस किस के कॉन्टेक्ट में आएगा, इन सब के भी कॉन्टेक्ट में आएगा, तो यहाँ पर पीएच कितना आ जाएगा बेटा, इसके ऊपर जो लगने वाले पानी का पीएच कितना होगा, लेस देन 5.6। अब यहाँ पर जो वाटर आएगा एक्चुअली में इंडस्ट्री की वजह से, तो पीएच कितना हो जाएगा बेटा आपका लेस देन 5.6, और लेस देन 5.6 होते ही इसका कलर क्या हो जाएगा बेटा आपका डल हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आ गया क्या, क्या आपका मैकेनिज्म हुआ, यहाँ पर क्या मैकेनिज्म हुआ, कोई दिक्कत नहीं? अब समझो SO2 का लेवल आप जानते हो, SO2 का लेवल तुम्हें मैं एक बहुत अच्छा बताऊंगा, सबसे ज़्यादा है चाइना में, सबसे ज़्यादा। तुम अगर कभी अगर इन्हें देखोगे ना SO2 लेवल ऑन मैप आज जाके देखना, एक छोटा सा वर्क दिया है मैंने, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। SO2 लेवल ऑन मैप तो लाल लाल कलर का भी साइन से आपको SO2 लेवल बताएंगे और NO2 लेवल भी आपको बताएंगे, और आप पता लगा सकते हो कहाँ कितना SO2 लेवल है, कहाँ कितना NO2 लेवल है, और SO2 लेवल का भी एक कोई है ना कोई फिक्स किया हुआ है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अगर SO2 लेवल हुआ तो
डेंजरस है, समझ में आ गया। एनवायरनमेंट आपका क्या है बेटा, पॉल्यूट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। SO2 लेवल आपको देख के आना है कि क्या होता है, SO2 लेवल कितना होना चाहिए, SO2 लेवल आपको कितना PPM होना चाहिए, ये आपको कल देख के आना है, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, आप समझ में आ गया। अगर SO2 लेवल अगर अपने PPM वैल्यू से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डेंजरस, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो ये आपको देखना है, ये आ सकता है JEE में, ये आपका JEE में पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन लिख लिया, ये लिखो लिखो आराम से लिखो। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, इंटरेस्टिंग है ये। समझ में आ गया तुम लोगों को, अब ये तुमको कल बताया था SO2 कैसे बनेगा, सॉरी SO3 होगा, सॉरी क्या होगा, SO3 कल मैंने बताया था ना, हाँ। तो SO2 कैसे बनेगा बताओ, वो SO3 कैसे बनता है ये मुझे बताओ। सल्फर कंटेनिंग कोई फ्यूल लिया मैंने, मैंने क्या लिया, फ्यूल, सल्फर कंटेनिंग कोई फ्यूल लिया, उसको मैंने O2 के कॉन्टेक्ट में लाया, वो क्या बना लेगा, SO2, और SO2 फिर आपका O2 के कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या बना लेगा, समझ में आया। और NO2 कैसे बना रहे थे, मैंने बताया था ना बिजली कड़कती है, हाँ बिजली कड़कती है तो क्या होता है, N2 प्लस O2 की क्या होगा बेटा, NO बनेगा, और NO फिर आपका O2 के कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या बनेगा, समझ में आ गया, क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब तुम्हें याद रहेंगे रिएक्शन, याद रहेंगे रिएक्शन, रिएक्शंस, वैसे इतने भी रिएक्शंस मैंने नहीं लिखा है इस चैप्टर में, लिखा है क्या, लिख लिया ना, ये ग्लोबल वार्मिंग वाला पार्ट लिख लिया, आगे लिखो। एक तो मैं बता देता हूँ, अमोनियम सॉल्ट, आप देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, एरोसोल ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड किसका, NO2 का, अगर आपके NO2 का ऑक्साइड है, NO2 का ऑक्साइड है, एरोसोल क्या होगा, एरोसोल ऑफ NO2 क्या होता है बेटा बताओ, क्या होता है बताओ, ये अगर है ना वाटर, ये आपका वाटर स्नो पे अगर डिपॉजिट होगा, वाटर स्नो और फॉग पर अगर डिपॉजिट होगा तो इसको हम बोलेंगे वेट डिपोजिशन, क्या बोलेंगे, वेट डिपोजिशन, समझना बात को, ठीक है ना, ध्यान रखना। और अगर मैंने एरोसोल ऑफ क्या बोल दिया बेटा, ऑक्साइड, वो भी किसका बेटा, SO3 का, दोनों, ये आपका कौन सा डिपोजिशन होता है, वेट डिपोजिशन, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा होगा, ड्राई डिपोजिशन, ठीक है, वेट एक कौन सा है, ड्राई डिपोजिशन,
अब ये क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके सॉलिड और लिक्विड होंगे ना, सॉलिड एंड लिक्विड ग्राउंड सरफेस पे डायरेक्टली डिपॉजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ग्राउंड सरफेस पे डायरेक्टली डिपॉजिट होंगे। ग्राउंड सरफेस पे आपके क्या होंगे बेटा? डायरेक्टली डिपॉजिट होंगे। कौन से होंगे बेटा? ये डायरेक्टली डिपॉजिट होंगे। समझ में आया? अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, डायरेक्टली डिपॉजिट होंगे तो इसको क्या बोलेंगे? ड्राई डिपोजिशन। अब समझना, इधर बात ध्यान रखना, NO2 आपका किसके अंदर डिपॉजिट होगा पहले? NO2 आपका किसके अंदर डिपॉजिट होगा पहले? एनवायरनमेंट, वाटर, मॉइस्चर के अंदर, या फिर पहले किस पर होगा? स्नो में होगा, जैसे स्नोफॉल होता है, समझ में आ रहा है? और है ना, फॉग के अंदर डिपॉजिट हुआ, क्या वो सीधा अर्थ सरफेस पर आया? तो उसको कौन सा डिपोजिशन बोला? वेट डिपोजिशन। लेकिन अगर मैंने सीधा सॉलिड और लिक्विड के ग्राउंड सरफेस पर आएगा तो क्या होगा? ड्राई डिपोजिशन। मतलब अगर SO3, अगर वो SO3 आपका, वो SO3 आपका लिक्विड और यहाँ पर, अगर यहाँ पर मतलब सरफेस पर अगर सीधा बन जाए तो क्या हो जाएगा बेटा? उसको बोलेंगे ड्राई डिपोजिशन। ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली में एरोसोल क्या होते हैं? एरोसोल क्या होते हैं समझना, एरोसोल आपके होते बेटा, एरोसोल एक क्वेश्चन है, एरोसोल क्या होते हैं बेटा? ये आपका कहाँ पढ़ने वाले हो तुम लोग? सरफेस केमिस्ट्री में। कहाँ पढ़ने वाले हो? सरफेस केमिस्ट्री में, ठीक है ना? अभी से तुम लोग समझ लेना, ठीक है? सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो तो सॉलिड पार्टिकल का, किसका? सॉलिड पार्टिकल, और यहाँ पर सॉलिड और गैस, ठीक है? और एक कौन सा होता है बेटा? एक होता है सॉलिड और गैस, और एक होगा गैस और सॉलिड। अगर सॉलिड पार्टिकल अगर आपका गैस में घुल जाए, या फिर गैस पार्टिकल अगर आपका सॉलिड में घुल जाए, तो वो क्या बना लेते बेटा? एरोसोल। अब देखो, फॉग में डस्ट होंगे ना, यहाँ पर डस्ट पार्टिकल होंगे, और डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं? सॉलिड या लिक्विड? सॉलिड होंगे, और सॉलिड के साथ मिलके क्या बना लेंगे? एरोसोल ऑफ ऑक्साइड। क्या बना लेंगे? एरोसोल ऑफ ऑक्साइड। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? तो इसको बोलते हैं एरोसोल्स, ठीक है? अगला देखो, यहाँ पर इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। इफेक्ट आप लोग खुद बताओ सबसे पहले, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। देखो, एसिड रेन का इफेक्ट डायरेक्टली कहाँ होगा? सबसे पहले इफेक्ट में, सबसे पहले डायरेक्टली कहाँ होगा बेटा इसका इफेक्ट? प्लांट, डायरेक्टली अर्थ सरफेस पर होगा ना। तो क्या होगा? अर्थ सरफेस पर डायरेक्टली पहले सोचो क्या होगा? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे होगा। जैसे तुम प्लांट सोचोगे, इसका मतलब क्या आ जाएगा बेटा? उस पर एग्रीकल्चर के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, मतलब एग्रीकल्चर के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। सोच लिया, उसके बाद क्या होगा बेटा बोलो? एग्रीकल्चर पर सोचेंगे, जो कि एग्रीकल्चर क्या कर लेगा बेटा? एग्रीकल्चर पे जैसे ही एसिड रेन आएगा, वो क्या करेगा? न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ क्या कर लेगा? न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल अपने साथ क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? डिसॉल्व कर लेगा, डिसॉल्व कर लेगा, और डिसॉल्व करके उसको क्या कर देगा? वॉश अवे कर देगा। समझ में आया? अभी बताओ मुझे, लैंड में क्रॉप को बढ़ाना है, क्रॉप बढ़ाने के लिए मैं क्या डालता हूँ? फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र के साथ रिएक्ट करके क्या क्या कर देगा बेटा? उसको डिसॉल्व कर लेगा, और डिसॉल्व कर लेगा तो क्या 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 कर देगा? उसको वॉश अवे कर देगा, मतलब हटा देगा। समझ में आया? नहीं तो ना, क्रॉप को भी डिसॉल्व कर लेगा न्यूट्रिएंट्स को, और उसको भी वॉश अवे कर देगा। बात क्लियर है? अगर देखो, अगर देखो यहाँ पर, अगर हमारे एनवायरनमेंट में SO2, SO3 और SO2 और CO2 की क्वांटिटी बढ़ गई, तो क्या होगा बेटा? सॉरी, CO2 ने NO2 की क्वांटिटी बढ़ गई, तो हमारे पास जो CO2 है, हम जो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे यहाँ पर हमारा क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन की, वो ऑक्सीजन क्या होगा? कम हो जाएगा एनवायरनमेंट में। और अगर ये वाले बढ़ जाएंगे, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो क्या मैं सांस ले सकता हूँ आसानी से? तो कहाँ पर इफ़ेक्ट डालेंगे बेटा? ये आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे,
रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेंगे ये आपके, समझ में आ गया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेंगे। उसके बाद कि क्या होगा बेटा बोलो। हाँ, अगर एसिड रेन, थर्ड एसिड रेन हमारे पॉन्ड्स पर आके गिरेगी या फिर किसी वाटर एरिया में आके गिरेगी, मतलब इसको क्या बोलेंगे, एक्वाटिक रीजन, ठीक है, एक्वाटिक रीजन, क्या बोलते हैं इसको, एक्वाटिक रीजन, जो मतलब पानी से रिलेटेड है। पानी को हम लोग है ना दूसरा नाम क्या बोलते हैं, एक्वा, प्राणी का पानी का दूसरा नाम क्या होता है, एक्वा, पढ़ा है ना आपने बोतल, एक्वाफिना, एक्वाफिना जानते हो, नहीं जानते, अरे मिनरल वाटर आता है, मिनरल वाटर में एक टैग होता है एक्वाफिना। अरे यार आप अगर मार्केट में बोतल लेने जाओगे तो उस पर भी कहीं ना कहीं है ना कोई ना कोई वाटर बोतल पे लिखा होता है एक्वा, लिखा होता है ना, ब्रांडिंग लिखी होती है ना, वो एक्वाफिना भी एक है ना ब्रांडिंग है, ऐसे ही एक ब्रांडिंग होती है। तो वो एक्वा वर्ड आपको किसको बता रहा है, पानी को, एक्वा वर्ड आपको किसको बता रहा है बेटा, पानी को। जब यहाँ पर आपके अगर एसिड रेन होगी कि क्या होगा बेटा, यहाँ पर एसिड रेन होगी कि अब देखो यहाँ पर एसिड रेन होगी। अब एसिड रेन होने से क्या होगा बेटा, जल्दी जल्दी बोलो, एसिड रेन होने से क्या होगा, हाँ 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 एक्वाटिक एनिमल्स या फिर एक्वाटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किसको प्रॉब्लम होगी बेटा, होने वाली किसको प्रॉब्लम है, एक्वाटिक प्लांट्स एंड बोलो एनिमल्स। आप समझ में आ गया, तुम लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया, कैसे कैसे बना रहा हूँ तुम्हें क्लियर होते जा रहे, मतलब एक्वाटिक इकोसिस्टम को क्या करेगा बेटा, ये इफ़ेक्ट करेगा फाइनली, क्या बोलते हैं अब वो इफ़ेक्ट ऑन एक्वाटिक, इफ़ेक्ट ऑन एक्वाटिक इकोसिस्टम, क्या होगा एक्वाटिक इकोसिस्टम पे क्या कर देगा बेटा, ये आपका इफ़ेक्ट करेगा, ये आपका कहाँ इफ़ेक्ट करेगा, एक्वाटिक इकोसिस्टम्स पे। बात क्लियर है, आप देखो कहीं कहीं पानी में आपका क्या, पानी में आपके कौन कौन से अमाउंट में मिलते हैं, पानी में आपके कुछ ना कुछ मेटल मिलते हैं, ठीक है। मेटल आपका क्या होता है, एसिड में डिजोल्व होता है, डिजोल्व होगा तो मेटल, अब मेटल आपका पानी में क्या होगा बेटा, आपका डिजोल्व होगा, मेटल्स आपके मिनरल होते हैं ना, मिनरल मतलब कुछ ना कुछ मेटल्स आपके, Fe होता है ना आयरन वाटर, आयरन होता है ना पानी में, कुछ ना कुछ अमाउंट में होता है बेटा आयरन कॉपर। तो अगर ये आपके एसिड रेन में क्या हो जाएंगे बेटा, ये आपके हो जाएंगे, ठीक है ना, डिजोल्व होके क्या करेंगे बेटा, डिजोल्व वो होने को क्या बोलेंगे बेटा, लीचिंग, डिजोल्व होने को क्या बोलेंगे बेटा, लीचिंग, मतलब कोई अगर जनरल मैंने वाटर लिया, वाटर क्या करेगा बेटा, वाटर है, वाटर के अंदर FeCuZn कुछ है, जनरल वाटर, हम तो मिनरल वाटर की बात नहीं कर रहे, मैं जनरल वाटर की बात कर रहा हूँ, जनरल वाटर में FeCu और वो सब होंगे, Zn होंगे, जैसे ही एसिड रेन आएगा, एसिड रेन क्या करेगा, उसको लीचिंग करेगा, लीचिंग मतलब डिजोल्व कर लेगा अपने अंदर, क्या कर लेगा अपने अंदर, डिजोल्व कर लेगा, तो ये सारे के सारे मेटल किसके अंदर डिजोल्व हो गए, पानी में, और अब तुम उस पानी को पियोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं होगी, आप समझ में आ गया। तो ये मैं आगे भी बता दूंगा लीचिंग कंसेप्ट, तुम्हें समझ में आ जाएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया तुम्हें, चलो सिंपल लग रहा है कि टफ लग रहा है, सिंपल जा रहा है, याद तुमको होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा, याद है ना, होते जा रहा है ना चैप्टर, कंटिन्यू याद होते रहना चाहिए, ठीक है ना। अब एसिड रेन लेना बिल्डिंग स्ट्रक्चर को डैमेज भी करेगा, वो तो तुम्हें बता ही दिया मैंने, ये तो हुए सारे सारे आपके कौन से पॉल्यूटेंट हुए, ये आपके गैसियस पॉल्यूटेंट हो गए ना, सारे क्लियर हो गए, याद है आपको हो जाएगा कि किसने मतलब जहाँ तक पढ़ाया उतना कर लिया याद, मैं मेमोराइज कर लिया उतना, याद तो होगा,
याद तो है ना, वो तुमको कभी नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा कि मुझको रटा हुआ है, लेकिन याद रहता है उतना। अब देखो तुमको मैंने सारे स्पेयर्स पूछ लिए, सारे स्पेयर्स तुमको याद थे, समझ में आया? अब आगे लिखे, आगे मैं बताता हूँ। आगे अब लिखो पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। अब कौन से पॉल्यूटेंट्स है बेटा? पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होंगे बेटा? हाँ देखो आप समझो, बहुत बढ़िया, तुम लोगों को याद है। अब देखो पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, अब देखो अगर बेटा पॉल्यूटेंट्स, अब देखो पॉल्यूटेंट्स अगर, पॉल्यूटेंट्स अगर आपके 5 माइक्रोमीटर के साइज के होंगे तो ये कहाँ चले जाएंगे? आपके नोज़ में ही आके रुक जाएंगे, रुक जाएंगे कि नहीं? नहीं 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 रुक जाएंगे, कान में आके रुक जाएंगे, समझ में आया? जैसे तुम सांस लोगे तुम लोग ब्रीथिंग करोगे तो ब्रीथिंग में क्या होगा, 5 माइक्रोमीटर वाला आपके नोज़ में ही आके रुक जाएगा। लेकिन अगर पॉल्यूटेंट का साइज़ क्या हो जाए बेटा, बोलो पॉल्यूटेंट का साइज़ क्या हो जाए बेटा? 1 माइक्रोमीटर हो जाए, 1 माइक्रोमीटर हो जाए। इसका मतलब क्या होगा? बहुत ही कम हो गया। अब तुम सांस भी लोगे तो नोज़ के थ्रू वो कहाँ चले जाएंगे? लंग्स में। तो ये आपके कहाँ चले जाते? सीधा लंग्स में। और ये कहाँ आपके रुक जाएंगे बेटा? नोज़ में रुक जाएंगे। कहाँ रुक जाएंगे? नोज़ में, सॉरी कहाँ रुक जाएंगे? ये आपके नोज़ में रुक जाएंगे। नोज़ मतलब नेज़ल प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो आपके 5 माइक्रोमीटर वाले को कौन से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? नेज़ल प्रॉब्लम। और आपके 1 माइक्रोमीटर वाले लंग्स प्रॉब्लम। ठीक है, समझ में आ गया तुम लोगों को? अब मैं इसको ना दो पॉइंट में डिवाइड करता हूँ। इसको सबसे पहले दो समझना। एक होगा बेटा वायबल पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। अब देखो वायबल पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स क्या होंगे बेटा? जो जीते जाते होंगे, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीते जागते होंगे, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से? जो है ना 1 माइक्रोमीटर के साइज के, वो कौन कौन से होते बेटा? जैसे बैक्टीरिया हुए। और बैक्टीरिया के बाद क्या होगा बेटा? फंगाई। फिर क्या होगा बेटा आपके? एल्गी। ठीक है, ये सब आपके क्या होंगे बेटा? आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? वायबल। ठीक है, एक कौन सा होगा? नॉन वायबल। एक कौन सा होगा? नॉन वायबल। अब बताओ नॉन वायबल पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स में कौन कौन आएंगे बेटा? तुम लोग बता सकते हो पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स में कौन कौन से आ जाएंगे बेटा नॉन वायबल में? बताओ क्या आ जाएंगे बेटा आपके? डस्ट आ जाएंगे। डस्ट के बाद कौन आ जाएंगे बेटा? स्मोक आ जाएंगे, मिस्ट आ जाएंगे, तुम्हें पता ही है। मिस्ट के बाद क्या आ जाएगा? फॉग आ जाएगा। समझ में आ गया फॉग। अब तुम्हें पता है फॉग के बारे में क्या होता है बेटा? फॉग आपका क्या होता है? स्मोक प्लस स्मोक भी होता है। एक क्या होता है? स्मोक क्या होता है बेटा? स्मोक प्लस फॉग। स्मोक तो पता ही है तुमको। ठीक है, डस्ट भी तुमको पता है क्या होता है, डस्ट पार्टिकल। मिस्ट क्या होता है? हाँ मतलब कि क्या है बेटा? सस्पेंडेड सॉलिड ऑन गैस। ठीक है, मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ स्प्रे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ स्प्रे इन एयर। मतलब एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल का स्प्रे होना, वो क्या होगा बेटा? मिस्ट होंगे। समझ में आ गया? मतलब छोटे, अब तुम्हें जानते हो ये सब। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि फॉग क्या होता है बताओ? फॉग तुम्हें, स्मोक तुम्हें समझ में आ गया है ना? अब फ्यूम्स क्या होते हैं बताओ? फ्यूम्स क्या होंगे? फ्यूम्स आपके फॉग होंगे। फ्यूम्स आपके एक टाइप के क्या होंगे बेटा? फॉग होंगे, जो कि किससे जनरेट होंगे बेटा? कंडेंसेशन से वेपराइजेशन से और
बोलो कंडेंसेशन से, वेपराइजेशन से और डिस्टिलेशन से। ये आपका एक टाइप का क्या होगा बेटा, फोग का एक टाइप का, फोग का एक टाइप कौन है बेटा आपका, फ्यूम से, जो कि किससे जनरेट होगा, कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ऑफ वेपर, वेपर के कंडेंसेशन से, मतलब वेपर के मिलने से, वेपर के, दो वेपर के मिलने से जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा, फ्यूम्स, ठीक है। या फिर ड्यूरिंग सब्लिमेशन, सब्लिमेशन से भी होगा, और सब्लिमेशन के बाद किससे होगा बेटा, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन और क्या हो जाएगा बेटा, बॉइलिंग, इन सब से आपका क्या जनरेट हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है, ये आपका हो गया फ्यूम्स। समझ में आ गया बेटा आपको, क्लियर हो गया। अब हम स्मोक के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। स्मोक क्या होता है बेटा, जल्दी बोलो, स्मोक, बोलो स्मोक प्लस फॉग, समझ में आया, इसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे। दो टाइप के स्मोक होते हैं, दो टाइप के क्या होते हैं बेटा, स्मोक होते हैं। स्मोक आपके कितने टाइप के होते हैं बेटा, दो टाइप के, और यहाँ से क्वेश्चन पूछना थे, यहाँ से आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। दो टाइप के स्मोक होते हैं, स्मोक आपके कितने टाइप के होते हैं बेटा, दो टाइप के, एक कौन से होते हैं बेटा, क्लासिकल, एक कौन से होंगे बेटा, क्लासिकल स्मोक, और एक कौन सा होगा बेटा, नॉन क्लासिकल।
स्मॉग होते हैं आपके कौन कौन से होते हैं बेटा? एक क्लासिकल स्मॉग होते हैं, कौन से होते हैं बेटा आपके? फोटोकेमिकल स्मॉग। कौन से होते हैं? एक आपका फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, मंडे को टेस्ट है क्या आने वाला है? पूरा आइसोमर, पूरा आइसोमर, पूरा आइसोमर। ठीक है, पूरा आइसोमर मैं देने वाला हूँ, ध्यान रखना। फोटो केमिकल क्या होगा बेटा आपका? स्मॉग होगा। ठीक है, एक कौन सा स्मॉग होगा? क्लासिकल स्मॉग। और एक कौन सा होगा बेटा? फोटो केमिकल स्मॉग। क्लासिकल स्मॉग को मैं क्या बोलूँगा बेटा? लंदन स्मॉग। क्या बोलेंगे? लंदन स्मॉग। इसका मतलब नहीं कि लंदन में होता है इसलिए लंदन स्मॉग, ऐसा नहीं बोलेंगे। और एक कौन सा होगा बेटा आपका? ये इसको बोलेंगे लॉस एंजलिस स्मॉग। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? लॉस एंजलिस स्मॉग। लंदन न्यूयॉर्क की बात है बेटा ये सब। अब देखो ये आपका क्या होगा? ये आपका कब बनेगा? वेट एंड कोल्ड कंडीशन में। कहाँ बनेगा ये आपका? वेट एंड कोल्ड कंडीशन में बनेगा। तो वो कौन कब बनेगा? ड्राई एंड हॉट कंडीशन। लॉस एंजलिस में गर्मी ज़्यादा होती है और लंदन में ठंडी ज़्यादा होती है। तो क्या हो गया? वेट एंड कोल्ड और लॉस एंजलिस। लंदन का है और लॉस एंजलिस का है? लंदन का है यूके में, लॉस एंजलिस का है और कैलिफोर्निया का है। अरे यार तुम लोगों को उतना भी नहीं याद है बेटा, तो तुम लोग करना। चलो ठीक है, ढूंढना यहाँ पर क्या आएगा। ये आपका क्या बनेगा? ड्राई एंड वार्म वेदर में। क्या बनेगा? ड्राई एंड वार्म वेदर में। ड्राई एंड वार्म वेदर में मुझे भी देना है एक दो लेक्चर लेने जा रहे अब बाद में लेना, मेरे पास दो ही अलग है बस। अब देखो इधर, यहाँ पर ड्राई एंड वार्म वेदर में। ठीक है, अब ये आपका क्या बनेगा बोलो? मिक्सचर ऑफ स्मॉग, स्मॉग फॉग प्लस SO2। समझ में आया? और ये आपका फोटो केमिकल किससे बनेगा बेटा बोलो? मिक्सचर ऑफ बोलो जल्दी से, स्मॉग फॉग हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रहा है अब? हाइड्रोकार्बन और NO2। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखो बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, फोटोकेमिकल स्मॉग इज ऑप्टेन नॉट ऑप्टेन फ्रॉम SO2 NO2 हाइड्रोकार्बन या फिर ऑल ऑफ दिस SO2। समझ में आ गया तुम्हें आप तरीका? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब चलो आगे कर लेते हैं। ये आपके रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, ये सारे के सारे आपके कौन से नेचर के होते हैं? रिड्यूसिंग नेचर के। और ये कौन से होते हैं बेटा आपके? ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग नेचर के। अब याद रहेगा बेटा तुम लोगों को? चलो लिख लो इसको। और ये रिड्यूसिंग नेचर होने की वजह से इसको कौन सा स्मॉग बोलते हैं बेटा? रिड्यूसिंग स्मॉग। और इसको कौन सा बोलेंगे बेटा? ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। समझ में आ गया? सिंपल था कि टफ था बेटा? सिंपल था। चलो अब देखो, फोटोकेमिकल स्मॉग आपके कैसे बनेंगे? सनलाइट के प्रेजेंस में बनेंगे। फोटोकेमिकल स्मॉग आपके कहाँ बनेंगे? सनलाइट के इसमें। तो सनलाइट के इसमें कैसे बनेंगे अब हम समझते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग का बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। ठीक है ना, अब देखो कैसे बनेंगे, समझना बात। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन और इनकी बात करूँगा तो किसकी बात करूँगा बेटा मैं? फोटोकेमिकल स्मॉग की। और फोटोकेमिकल स्मॉग आपके काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लासिकल स्मॉग। समझ में आया? समझ में आ गया तुम लोगों को? अब देखो फोटोकेमिकल स्मॉग किससे बनाए बेटा आपका? NO2 से। किससे बनाए बेटा आपके? NO2 से। तो NO2 को जब मैं HNO मतलब सनलाइट है तो क्या होगा बेटा? यहाँ पर NO बनेगा और क्या बनेगा बेटा? नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बनेगा? नेसेंट ऑक्सीजन। अब समझ में आ रहा है तुम लोगों को? नेसेंट ऑक्सीजन बना
नेसेंट ऑक्सीजन बना, तो नेसेंट ऑक्सीजन से क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? अगर ये ऑक्सीजन से हुआ तो क्या होगा बेटा? यहाँ पर O3 बनेगा पहला, क्या बना बेटा आपका? ओजोन बना। बात क्लियर है? ओजोन से आपका क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर देखो, अगर O3 आपका NO के साथ फिर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बेटा, जल्दी बोलो? NO2 और O2 गैस। समझ में आया? अब तुम मुझे बताओ कि आपके फोटो क्या केमिकल स्मोक से क्या क्या बनते हैं? सेकेंडरी मतलब ये तो आपके क्या हो गए? प्राइमरी पॉल्यूटेंट प्राइमरी हो गए ना। अब सेकेंडरी कौन कौन से हो गए? ओजोन आ गया। ओजोन आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के अंदर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, मतलब इससे जनरेट वो हुआ है ना। अगर NO2 नहीं होता एनवायरनमेंट में तो क्या O3 जनरेट होता? नहीं होता। तो ये आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के कैटेगरी में आएगा। बात समझ में आ गया? देन आफ्टर यहाँ पर NO2 और O3 दोनों के दोनों क्या है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन से हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब थोड़ा एक कंसेप्ट को समझो कि ये एक साइकिल होगी। अब ये एक साइकिल आपकी रिएक्शन होगी। अब देखो NO2 यहाँ पर NO2 बना, फिर ये NO2 की क्या करेगा? फिर ये O आपका O2 के साथ रिएक्शन करके, अब ये O3 फिर आपका NO के साथ रिएक्शन करके, फिर NO2 बना जो वो ऊपर जाएगा। ये एक चेन रिएक्शन चलने वाली है। ये एक पूरी की पूरी क्या चलने वाली है? चेन रिएक्शन। समझ में आ गया? अब देखो O3 आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, तो ये आपका क्या करेगा? हाइड्रोकार्बन को भी पॉल्यूट करेगा, ठीक है। अब देखो हाइड्रोकार्बन CH4 को O3 के साथ अगर रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा बेटा, जल्दी बोलो? यहाँ पर आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड ये भी आपका हाइड्रोकार्बन ही हुआ ना एक टाइप का। अब हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन अगर मैंने किसके साथ करा दी? हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन अगर मैंने O3 के साथ करा दी तो 3-4 कंपाउंड और बनेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? ये होगा, ठीक है ना। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा आपका? ये हो जाएगा, ठीक है। एक आपका बन जाएगा एक्रोलिन। क्या बन जाएगा? एक्रोलिन। और एक्रोलिन क्या होता है? CH2CH डबल बॉन्ड हो, ऐसा होता है। ये होता है आपका एक्रोलिन। ये आपका क्या होता है बेटा? एक्रोलिन, ठीक है। और एक क्या बन जाएगा? एक आपका बन जाएगा परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। क्या बन जाएगा? परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बन जाएगा। उसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा आपका? CH3COOONO2, ठीक है। ये बन जाएगा आपका। बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पर समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये सारे का सारा मैंने किसके लिए बताया बेटा आपको? फोटोकेमिकल स्मोक के लिए। किसके लिए बताया? फोटोकेमिकल स्मोक से। तो फोटोकेमिकल स्मोक में क्या क्या बनेंगे बेटा? O3 बनेगा। और क्या बनेंगे सारे के सारे? हाइड्रोकार्बन। समझ में आया? ये ज़्यादा डेंजरस होंगे। तो आपके कंपोनेंट्स को कौन कौन से बेटा फोटोकेमिकल स्मोक के? फोटोकेमिकल स्मोक के कंपोनेंट कौन कौन से? NOx हो गया, ओजोन हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, एक्रोलिन हो गया, और क्या हो गया? और क्या हो जाएगा? पेन बोलेंगे परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला जेई पूछ सकता है। ऊपर वाले का तो तुम लोग बता दोगे, यहाँ पर इन दोनों का फॉर्मूला जेई आपसे पूछ सकता है। लिख लो, जेई आपसे क्या पूछेगा? पेन का फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है जेई, ठीक है ना।
11 कितना टाइम हो रहा है अभी? 15 मिनट ही बचे क्या? जल्दी जल्दी लिखो, इतना मैंने बता देगा तुम लोगों को। कितने पेज हो गए? एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छे से बता रहा हूँ क्या मैं? अब तुम्हें हो जाएगा याद, ये आपको इजीली हो जाएगा, इजीली हो जाएगा याद चैप्टर। अब तुम बार बार भूलोगे तो नहीं ना, एक बार पढ़ने तुमने कल एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो एक चीज़ का तुम्हें लगा होगा, फीलिंग आई होगी एक चीज़ की, कि जब तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे तो तुम्हें कॉपी वाली सारी बातें याद आ रही होगी। ठीक है, अगर मैं नहीं पढ़ाता चैप्टर तो तुम्हें बार बार पढ़ते बार बार भूल जाते, बार बार पढ़ते बार बार भूल जाते, ऐसा ही होता है ना। तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है ना, पक्का? अब लिखो कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। कौन कौन से होंगे? बोलो फोटोकेमिकल स्मॉग में कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे बेटा? सबसे पहला NO2 होगा, हाइड्रोकार्बन होगा, बोलते जाओ, हाइड्रोकार्बन होगा, और उसके बाद क्या होगा? ये नहीं, ये वाले बोलो केमिकल O3 हो जाएगा, O3 के बाद क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड के बाद क्या हो जाएगा? एक्रोलीन। समझ में आया? अब आज से एक्रोलीन में आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? क्या एक्रोलीन में रेजोनेंस पॉसिबल है? पूछ सकता है ना घुमा के? समझ में आया? उसके बाद पेन परोक्सी एसिटाइल नाइट्राइट, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। समझ में आया? ये आपके कंपोनेंट्स होते हैं। अब आपके इसकी वजह से क्या क्या होते हैं? यहाँ पर हेल्थ डिसीज होते हैं। कौन सी डिसीज होती है इनकी वजह से? हेल्थ डिसीज होती है, हेल्थ डिसीज, हेल्थ प्रॉब्लम होती है। कौन सी प्रॉब्लम बोलेंगे बेटा हम इसको? हेल्थ प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम होती है बेटा यहाँ पर? हेल्थ प्रॉब्लम होती है। और हेल्थ प्रॉब्लम कौन सी होती है बेटा? कौन कौन सी होगी बेटा? चेस्ट पेन होगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, या तो मैंने पहले ही बता दिया था लंग्स में चले जाते पर्टिकुलेट, तो आपको पर्टिकुलेट वाला बताया था ना, पर्टिकुलेट का ही टाइप है ना ये, या आपका पर्टिकुलेट का ही टाइप है। और पर्टिकुलेट की वजह से कौन सा प्रॉब्लम होता है? लंग्स प्रॉब्लम या फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पर बोल दोगे तुम लोग क्या होगा? लंग्स प्रॉब्लम या फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम। समझ में आया? क्लियर हो गया तुम लोगों को कोई कंसेप्ट? लेकिन इसके अलावा एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम है? यहाँ तो तुम्हारे बॉडी पे तो प्रॉब्लम है, लेकिन ये क्या करेगा? इट कैन कोरोड रबर मेटल। आप देखो मेटल को तो मेटल का कोरोजन पॉसिबल है, क्या ये रबर को भी कोरोड कर रहा है? मतलब कितना हार्मफुल होगा सोच के रखो आप। बिल्डिंग मटेरियल के बाद बोलो जल्दी से पेंटेड सरफेस। अब बोलो पेंटेड सरफेस क्या आपका कोरोड होता है? क्या आपका पेंटेड सरफेस कभी कोरोड होता है? हम पेंट किस लिए करते हैं? कोरोड से बचाने के लिए ना, कोरोजन से। लेकिन ये पेंटेड सरफेस को भी क्या कर डालता है? कोरोड कर डालता है। समझ में आ गया तुम लोगों को? तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है पेंटेड सरफेस कैन बी कोरोड बाय, या पेन आपको देगा या हाइड्रोकार्बन देगा कुछ देगा, तो क्या बोलोगे? समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर हो गए? चलो आगे लिखो प्रिवेंशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। प्रिवेंशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, अब अगर बताओ फोटोकेमिकल स्मॉग को बंद, फोटोकेमिकल स्मॉग से क्या प्रिवेंशन होगा? कैसे प्रिवेंट करोगे बेटा? थोड़ा सोचो। आप देखो NO2 ही अगर नहीं निकले तो, NO2 अगर नहीं निकले तो क्या ये होगा? और NO2 कहाँ से निकलता है? अभी लिखा था, चेक करो NO2 के लास्ट में नाइट्रोजन के ऑक्साइड लिखा थे ना, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, उसके बाद चेक करो क्या लिखा है आज की पहली लाइन। हाँ बोलो, एग्जॉस्ट ऑफ लिखवाया,
तो अगर मैंने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग गाड़ी चलाओगे उतना NO2 निकलेगा, उतना क्या बनेगा, फोटो के केमिकल स्मॉग बनेंगे, बात समझ में आ गया? तो समझो इधर नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन रिलीज्ड बाय हाइड्रोकार्बन, इसमें बोल दो रिलीज्ड फ्रॉम कहाँ, कहाँ से रिलीज होगा, एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल, मतलब एग्जॉस्ट सिस्टम्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, समझ में आया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वजह से होगा, जो कि सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबल होगा, समझ में आ गया? अब देखो स्मोक से हटाने के लिए हम क्या करते, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने क्या की, क्या आपका इसमें जड़ निकाला, इसमें कैटेलाइटिक कन्वर्टर को मिलाने लग गए, कैटेलाइटिक कन्वर्टर डालने लग गए, क्या डालने लग गए, कैटेलाइटिक कन्वर्टर, और कैटेलाइटिक कन्वर्टर डालते ही क्या निकलना बंद हो गया, NO2 का निकलना बंद हो गया, ठीक है? अब समझो पुरानी जो गाड़ियाँ थी उसमें एग्जॉस्ट जो आपका सिस्टम था उससे क्या निकलता था, NO2, और NO2 निकलता था, लेकिन आजकल जो गाड़ियाँ आ रही है उसमें क्या आ रहा है बेटा, उसमें क्या आ रहा है बेटा, कैटेलाइटिक कन्वर्टर, क्या आ रहा है, कैटेलाइटिक कन्वर्टर, और कैटेलाइटिक कन्वर्टर के थ्रू कुछ हद तक NO2 का क्या हो रहा है बेटा, कम किया जा रहा है, समझ में आया किसको कम कर रहे हैं बेटा, कैटेलाइटिक कन्वर्टर के थ्रू हम क्या कम कर रहे हैं बेटा, NO2। तुमने देखा होगा कभी साइलेंसर को खोलना, अपने आप तुम्हें पता पड़ जाएगा उसमें कोई ना कोई कन्वर्टर अटैच होता है, हाँ क्या होता है ना, होता है कि नहीं होता, तो मैंने सही बोला कि गलत बोला, खोलोगे तो पता पड़ जाएगा, इंजीनियर बनने वाले हो तुम्हें पता पड़ जाएगा, ठीक है ना? और बैटरी वाली गाड़ी में क्या आपका कैटेलाइटिक कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी? तो बैटरी वाली फ़ायदा है कि ये वाला फ़ायदा है, इलेक्ट्रिक में NO2 नहीं निकलेगा बस ये। अब ये बताओ जो जेट है ना, जेट में भी NO2 निकलता है, बताया था ना मैंने कल, तो वो क्या होता है, ओजोन को डिप्लेट करता है, कल बताया था, कहाँ, ओजोन लेयर के ऊपर अगर मैं उसमें भी कैटेलाइटिक कन्वर्टर डाल दूँ तो ओजोन लेयर डिप्लेट होगा, क्लियर हुआ कंसेप्ट, लिखो आगे। और एक और है इसके बारे में, मैं तुमको हाइड्रोकार्बन में बाद में बताऊंगा, लिखना चाहते हो लिखा दूँ या फिर इतना काफ़ी है, ठीक है? एक और पॉइंट लिख लो, एक है ना पेट्रोल होता है, लीड पेट्रोल, उसको हम क्या बोलते हैं, लेडेड पेट्रोल, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, समझ लो, एक होता है ना TEL, कितने बजे तक क्लास होता है, पाँच मिनट बाद। अच्छा, अब देखो इधर लेडेड पेट्रोल, अब देखो लेडेड पेट्रोल क्या होगा बेटा आपका, TEL, टेट्रा इथाइल लीड, समझना, टेट्रा इथाइल लीड की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, टेट्रा का मतलब चार, सामने देखो टेट्रा का मतलब चार, C2H5 का मतलब इथाइल, PB का मतलब लेड, ठीक है? लेडेड पेट्रोल से भी आपका क्या होता है बेटा, यहाँ पर लेडेड पेट्रोल से भी आपका स्मोक बनेगा, और स्मोक के साथ साथ क्या निकलेगा बेटा, लीड भी निकलेगा, और ये लीड क्या करेगा बेटा, हमारे एनवायरनमेंट को भी तकलीफ देगा, ये भी हमारे एनवायरनमेंट को क्या होगा, ये आपका मेजर पॉल्यूटेंट है, ये भी आपका क्या बन जाएगा फिर, आपका मेजर पॉल्यूटेंट इन एटमॉस्फेयर में, ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, मेजर पॉल्यूटेंट, ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया? ये तो सारा का सारा हमारा कौन सा था बेटा, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन, हमने क्या पढ़ लिया यहाँ तक, हमने ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन, अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन या फिर ओजोन डिप्लेशन, हाँ स्ट्रेटोस्फेरिक मतलब स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन में केवल और केवल क्या होता है, ओजोन का डिप्लेशन होता है, क्या होता है, ओजोन का डिप्लेशन, लिख लो स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन, नेक्स्ट टॉपिक, समझ में आ गया तुम लोगों को, लिख लो यहाँ पर,
अब तुम्हें क्लियर हो गया कंसेप्ट? क्लियर हो गया? एक बार एनसीईआरटी रीड मार के आना है। एक बार एनसीईआरटी रीड मारोगे ना, कॉपी के साथ लेके बैठ के रीड मारना। तुम्हें एनसीईआरटी का एक 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 भी लाइन मैंने छोड़ा नहीं है, एक भी लाइन नहीं हो विश्वास तो चेक कर सकते हो। कल आपने एनसीईआरटी पढ़ा था तो क्या एक लाइन छूटा हुआ था? एक भी लाइन नहीं छूटा था ना, तो आज भी एक भी लाइन नहीं छूटा हुआ। एक एक्स्ट्रा मिल सकता है लेकिन लाइन छूट नहीं सकता। अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन। मैंने कल ही बताया था एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक कौन सा ट्रोपोस्फेरिक और एक कौन सा पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फेरिक। तो देख लेते हैं सबसे पहले स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन, और उसमें सबसे पहले मुझे क्या समझना है, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन या फिर ओजोन लेयर डिप्लेशन। आप देखो ओजोन लेयर डिप्लेशन या ओजोन डिप्लेशन क्या होगा सबसे पहले, ठीक है ना। ओजोन लेयर आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। बहुत बढ़िया। आप देखो O2 गैस है, O2 गैस आपकी अगर HNO के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा बेटा? O रेडिकल, और ये क्या होगा बेटा? रेडिकल। दोनों की क्या बनेंगे बेटा? रेडिकल्स बनेंगे। अब ये रेडिकल्स फिर से आपका O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा? आपका O3 बन जाएगा। ये तो क्या हुआ? ओजोन लेयर का फॉर्मेशन। क्या हुआ ये आपका फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। समझ में आ गया? ये आपका क्या है बेटा? फॉर्मेशन का मेथड है किसका बेटा? ओजोन लेयर का। बात समझ में आया। अगर मैं नेट रिएक्शन लिखना चाहूँ तो नेट रिएक्शन क्या लिखूँगा बेटा इसका? अगर मैं इसका नेट रिएक्शन लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा बेटा? जल्दी बोलो नेट रिएक्शन क्या लिखना चाहूँगा बेटा मैं इसका? बोलो। O2 gives O3, यहाँ पर 3O2, यहाँ पर 2O3, ऐसा मैंने लिख दिया। अब देखो थर्मोडायनेमिकली ओजोन आपका क्या होता है? लेस स्टेबल। ये आपका थर्मोडायनेमिकली क्या होता है बेटा? थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल। और थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल का मतलब क्या होता है? ये आपका एंडोथर्मिक तरीके से बना होगा। सोचो मैंने क्या बोला था, वो रिएक्शन आपकी पॉसिबल होती है जो आपकी एक्सोथर्मिक होती है, जो रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक से होगी कि क्या वो पॉसिबल होगी? नहीं होगी। तो ये आपका मतलब एंडोथर्मिक तरीके से बन रहा है, तो ये क्या होगा बेटा? आपका थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल है। थर्मोडायनेमिकली क्या है बेटा? ये आपका थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या बोलता है? जिसका एक्सोथर्मिक है, जिसका हीट ऑफ जो जिसमें आपका हीट आपका रिलीज करे वो क्या होगा? स्टेबल होगा। और जो आपके हीट को एब्जॉर्ब करे वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो ये थर्मोडायनेमिकली क्या हो गया? लेस स्टेबल मतलब अनस्टेबल। समझ में आ गया? थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। बात क्लियर है? ठीक है। ओजोन लेयर का काम क्या है? अब देखो ये मेरा अर्थ है, ये मेरा क्या है? O3 लेयर। क्या ये मेरा O3 लेयर? अब क्या करेगा बेटा समझना यहाँ पर। अब सन की कौन सी रेज आएगी? UV रेडिएशन। कौन सी आएगी? UV रेडिएशन। क्या ये यूवी रेडिएशन को क्या होने देगा? यूवी रेडिएशन को क्या ये अंदर आने देगा? नहीं आने देगा। ये यूवी रेडिएशन को बाहर से रिफ्लेक्ट कर देगा। और ये यूवी रेडिएशन हमारे लिए क्या बेटा? हार्मफुल है। अगर बाय द वे ये अगर अंदर आ जाती है, ये अगर अंदर आके अर्थ पर पड़ती है तो हम लोगों को क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से स्किन कैंसर। कौन सा हो जाएगा? स्किन कैंसर। समझ में आ गया? हमको कौन सी बीमारी हो जाएगी बेटा यहाँ से? स्किन कैंसर। और स्किन कैंसर का दूसरा नाम क्या होता है? कार्सिनोमा। हाँ क्या होगा बेटा? और हाँ तुझे तो याद है, चलो आ गया समझ में ये आपका, ठीक है। आई साइट का भी लॉस होगा, ठीक है। तुम्हें समझ में आ गया बेटा कैसे हो रहा है?
ओजोन लेयर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है बताओ? अगर ओजोन लेयर में होल हो जाता, समझो यहाँ पर मैंने मान लिया ओजोन लेयर में क्या हो गया बेटा, होल हो गया, तो क्या आया, यूवी रेड सीधी आ गई, हमको स्किन कैंसर होने का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। अगर ओजोन लेयर नहीं होता तो क्या होता, और आपका समझो ओजोन लेयर नहीं होता तो क्या होता, और ओजोन लेयर होता तो क्या होता? ओजोन लेयर होने से यूवी रेडिएशन पास हो गई। अगर ओजोन लेयर इस एरिया में नहीं है, यहाँ आपकी कौन सी लेयर नहीं है, ओजोन लेयर नहीं है, तो हम लोगों को क्या हो रहा है, स्किन कैंसर हो रहा है, और यहाँ पर एक्वाटिक मतलब रीजन को भी प्रॉब्लम होगा, यूवी रेज आएगी, हमें ही प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत लोगों को होगी, सारे एनवायरनमेंट को आपको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, मैंने एक जनरल बता दिया तुम लोगों के लिए स्किन कैंसर वाला, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा। स्किन कैंसर का दूसरा नाम क्या बेटा, कार्सिनोमा डिजीज, लिख लो आगे। ठीक है, अब डिप्लेशन कैसे होगा, अब इसको डिप्लेट करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पर डिप्लेशन ऑफ O3 लेयर, O3 लेयर को हम लोग डिप्लेट कैसे करेंगे बेटा, समझना है, देखो हमारे पास है ना डिप्लेट करने के लिए ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए कौन सी गैस काम आती है, CFC गैसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्या होगा CF2Cl2। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले ये आपका क्या होगा, यूवी रेस के प्रेजेंस में क्या होगा बेटा, ये आपका टूटेगा, क्या बनेगा CF2Cl, और यहाँ पर क्या बन जाएगा Cl, ये क्या बन गया बेटा आपका रेडिकल, क्या बन गया ये आपका रेडिकल। अब ये रेडिकल किससे, ऑक्सीजन वाले रेडिकल से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन वाले रेडिकल से रिएक्ट कर जाएगा, मतलब ये आपका, मतलब सिंपली बोलो O3 के साथ रिएक्ट कर गया, O3 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहेगा, OCl और O2 गैस, OCl और O2 गैस। अब समझो यहाँ पर फिर ये आपका क्या करेगा, OCl आपका O के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, जल्दी बताओ, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर आपका O के साथ रिएक्ट करके ये आपका क्या बना लेगा, Cl रेडिकल और O2। अब देखो ये फिर से आपको मिल गया इधर, अब फिर ये ओजोन को तोड़ देगा किसके अंदर, O2 के अंदर, जो हमारा ओजोन लेयर है वो हमारा क्या होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है ना, ये Cl डॉट फिर आ गया, फिर ये ओजोन लेयर को, तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सा कंपाउंड है, CFC तो है, लेकिन उसके अलावा उससे जो बनने वाला कौन, Cl फ्री रेडिकल, अगर मैंने इसको बनाना छोड़ दिया, ये अगर बनना छूट गया तो क्या होगा, डिप्लेशन नहीं होगा, इसकी वजह से तो बार बार हो रहा है, ये सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है, ये सबसे बड़ा क्या बेटा आपका रेस्पॉन्सिबल फैक्टर, समझ में आ गया, तो ओजोन लेयर इस वजह से डिप्लेशन हो रहा है। अब ओजोन लेयर के डिप्लेशन को रोकने के लिए मैं क्या करूँगा बेटा, हाँ अब ये बनेगा कब, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, नेसेंट के साथ रिएक्ट करेगा तब बनेगा ये, अगर मैं इसकी रिएक्शन इससे होने ही ना दूँ, किसी और से करा दूँ तो क्या होगा, क्या डिप्लेट होगा, क्या आपका Cl डॉट बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसको रोकने के लिए मैंने क्या किया कि देखो ओजोन होल के बारे में मैं थोड़ा लिखा देता हूँ, ओजोन होल क्या होता है बेटा आपके, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर ओवर साउथ पोल, क्या बेटा, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर ओवर साउथ पोल मतलब साउथ पोल के ऊपर ओजोन लेयर का डिप्लेशन है। ठीक है, ओजोन लेयर आपका साउथ पोल के ऊपर है,
साउथ पोल, साउथ पोल के ऊपर आपका डिप्लेशन कराना है ओजोन लेयर का, ठीक है ना, ओजोन लेयर का, सॉरी ओजोन लेयर, वो ओजोन होल क्या होता है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हुआ है कहाँ पर, साउथ पोल के ऊपर। और साउथ पोल पर कौन सा रीज़न होता है, अंटार्कटिका रीज़न, कौन सा होता है, अंटार्कटिका रीज़न, समझ में आ गया, अंटार्कटिका रीज़न पे ही होता है, ठीक है, यहाँ तक तुमको समझ में आ गया होगा। लेकिन आप समझना, अंटार्कटिका रीज़न पे आपके दो होंगे सीज़न, दो आपके सीज़न चलते हैं, एक होता है विंटर और एक होता है बेटा आपका कौन सा सीज़न, समर सीज़न, एक कौन सा होता है, विंटर और समर। अब विंटर सीज़न में क्या होगा, अब देखो अंटार्कटिका रीज़न में समर में आपकी क्या निकलती है, NO2 और रुको, तुमको मैं इसका देख लेते हैं, इसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है ना, बेल बज गया तो इतना इतना ध्यान रखोगे, मतलब इतना ही याद रखना, ठीक है, आयोनाइज गैसेस एटम को हम क्या बोलते हैं बेटा, बताओ, आयोनाइज गैसेस एटम को हम क्या बोलते हैं, एनोड रे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, याद आया कुछ, समझ में आ गया, लिखो अब, चलो कहाँ तक कर लिया था, नाइट्रोजन का लिख रहे थे, हाँ नाइट्रोजन का लिख रहे थे ना, नाइट्रोजन के लिए लिखो एग्जॉस्ट, नाइट्रोजन कहाँ पर, कहाँ से आपका मतलब एनओ टू आपका प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, तो लिखो प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, एरो डाल के लिखना, प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ताकि तुम्हें समझ में भी आ जाए, प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से निकलेगा, एग्जॉस्ट ऑफ, एग्जॉस्ट जानते हो आप लोग, एग्जॉस्ट सिस्टम, क्या क्या होता है एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल, ठीक है, मतलब गाड़ियों के एग्जॉस्ट से आपका क्या निकलता है बेटा, एनओ, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसलिए बोलते हैं ना गाड़ियाँ कम चलाया करो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को क्यों अभी इतना इतना तवज्जो दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को क्यों इतना मतलब आगे सपोर्ट में लाया जा रहा है, क्योंकि एग्जॉस्ट से एनओ गैस नहीं निकलेगी, एनओ गैस नहीं निकलेगी तो अब देखो ये बेचारे के सारे एनओ गैस है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे हमारे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अभी आपको पता पड़ेगा कौन कौन से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो यह तो था हमारे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब लिखो हाइड्रोकार्बन, अब देखो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की वजह से क्या होता है, हाइड्रोकार्बन आपका क्या होता है, कार्सिनोजेनिक इन नेचर, मतलब क्या होता है, वो कैंसर क्रिएट करने वाले सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन एक्चुअली में क्या होता है बेटा आप लोगों का, हाइड्रोकार्बन आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर, मतलब नेचर में कैसे होते बेटा, कार्सिनोजेनिक इन नेचर, इसका मतलब क्या है बेटा, ये आपके इसका मतलब क्या होगा, ये आपका बोलो, मतलब आपके कैंसर को क्रिएट करेंगे, किसको क्रिएट करेंगे बेटा, कैंसर को, समझ में आ गया। अगला लिखो हाइड्रोकार्बन ध्यान से समझ लेना बस एक ही बार में, हाइड्रोकार्बन्स आर प्रेजेंट इन environment, present in environment due to the incomplete combustion, मतलब क्या बेटा, incomplete combustion की वजह से यह आपका environment में present होता है, किसकी वजह से, incomplete combustion की वजह से यह आपका environment में present होता है due to the incomplete combustion। ये question आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, अब आपसे कहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर ये वाला लाइन को अंडरलाइन कर लो, कार्सिनोजेनिक इन नेचर, ये क्वेश्चन आपसे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि अभी हम मैंने एंड में लास्ट ईयर भी लगा लेंगे, इसका लास्ट ईयर लगा लेंगे, और मैं आपको 45 क्वेश्चन की डीपी भी दूंगा, उसको भी लगा लेंगे, ताकि हमको सारे के सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाए वापस से, ठीक है ना, और इस चैप्टर को एक ही बार पढ़ना है, लेकिन ऐसा पढ़ना है कि इससे एक भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन हमारा कि जाना हो बेटा
गलत ना हो। और है ना जी, जैसे ही तुम्हारा एनवायरनमेंट खत्म हो जाए तो इस साल जितने भी जेई मेंस में पेपर आए हैं सारे पेपर को क्या करोगे, उठाओगे और उसमें चेक करोगे कि कौन कौन से क्वेश्चन थे हमारे, उन सारे क्वेश्चन को रीड मारोगे और फिर क्या करोगे बेटा, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है ना। लास्ट ईयर के मैं तुमको बना के दूंगा सारा सब कुछ, ठीक है ना, उसको हम लोग अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि हर पेपर में एक क्वेश्चन कन्फर्म था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का था, ठीक है, तो तुम्हें अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इनकम्प्लीट, अब देखो यहाँ पर इसके बाद हाइड्रोकार्बन का आपको समझ में आ गया, अब लिखो यहाँ पर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। मैंने क्या बोला था बेटा, ये आपके किस टाइप के, अभी मैं पॉल्यूटेंट की बात कर रहा हूँ, हाँ गैसेस पॉल्यूटेंट, कितने टाइप के पॉल्यूटेंट बताए थे बेटा मैंने, गैसेस और पार्टिकुलेट, हाँ पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, वो किसको पॉल्यूट करते थे, कौन सा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे थे, एटमॉस्फेरिक, और एटमॉस्फेरिक में भी कौन सा, ट्रोपोस्फेरिक, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या है बेटा इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कैसे करेंगे बेटा समझना, CO का कंसेप्ट समझ लेते हैं हम लोग बहुत प्यार से, कैसे कैसे होता है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड्स के बारे में। अब देखो जो आपका कार्बन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है बेटा, इनकम्प्लीट कम्बंशन से बनता है, किससे बनता है, इनकम्प्लीट कम्बंशन ऑफ कार्बन, क्या होता है, इनकम्प्लीट कम्बंशन ऑफ कार्बन। आपने ये वाला रिएक्शन पढ़ा होगा, कहाँ कहाँ पढ़ा है आपने, मैं तुम्हें बताऊँगा, थर्मोडायनेमिक्स में हीट ऑफ कम्बंशन, याद आ गया, हीट ऑफ कम्बंशन, समझ में आया, ये याद आया, वहाँ तुमने पढ़ा है, ये तो फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में भी 5 से 6 बार पढ़ोगे और ऑर्गेनिक में भी 10 से 12 बार पढ़ोगे तुम ये, ठीक है, तो क्या होगा, इनकम्प्लीट कम्बंशन ऑफ, समझ में आ गया ये इनकम्प्लीट कम्बंशन। अब ये बताओ कार्बन का इनकम्प्लीट कम्बंशन का प्रोडक्ट क्या होगा, CO, और कम्प्लीट कम्बंशन का क्या होगा, CO2, कम्प्लीट कम्बंशन का क्या होगा, CO2, और इनकम्प्लीट कम्बंशन का प्रोडक्ट क्या होगा बेटा आपका, CO, बात क्लियर है। तो इनकम्प्लीट कम्बंशन ऑफ कार्बन होगा तो क्या बनेगा बेटा आपका, CO गैस। अब क्या हो रहा है कि नेचर में आपका CO गैस बन रहा है, CO गैस क्या होगा बेटा आपका, बोलो यहाँ पर ब्लड में क्या प्रेजेंट होते हैं, हीमोग्लोबिन, तो ब्लड हीमोग्लोबिन से क्या कर जाएंगे बेटा ये आपके, बोलो जल्दी से, ब्लड हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करेंगे क्या बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, क्या बना लेंगे ये आपके कॉम्प्लेक्स, और उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बना लेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्या बनेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, आप कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे ब्लड को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की ना, तो वो एक्चुअली जनरली क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्सीजन के साथ अगर वो रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, ब्लड हीमोग्लोबिन अगर आपका ऑक्सीजन के साथ अगर आपका रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा बेटा, बोलो जल्दी से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, ये हमारे लिए क्या नहीं है बेटा, हार्मफुल नहीं है, हमारे लिए हार्मफुल कौन सा है बेटा, ब्लड हीमोग्लोबिन, हमारे लिए हार्मफुल कौन सा है बेटा, ब्लड हीमोग्लोबिन में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। तभी हम लोग क्या बोलते हैं, घर में खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद करके कभी भी है ना वो क्या बोलते हैं, लकड़ी अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए, बोलते हैं ना क्यों बोलते हैं बेटा, अब सुनना, जब मैंने खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए तो आपके ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, लिमिटेशन आ जाएगा, ऑक्सीजन आपकी क्या हो जाएगी बेटा, लिमिटेड सप्लाई। जब आपके ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई होगी तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इनकम्प्लीट कम्बंशन ऑफ कार्बन, समझ में आ गया। तो मतलब इनकम्प्लीट कम्बंशन ऑफ कार्बन मतलब या फिर आपका पार्शियली कम्बंशन प्रोडक्ट आपका CO को हम क्या बोल सकते हैं, एक और नाम बोलो क्या बोल सकते हैं, पार्शियली कम्बंशन, मतलब पूरी तरीके से कम्बंशन नहीं हुआ है, कि क्या हुआ है, पार्शियली कम्बंशन। तो पार्शियली कम्बंशन प्रोडक्ट आपको कैसे मिलेगा,
हाँ, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर, किसके साथ? लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ। अब मैं घरों में मान लो खिड़की बंद कर दिया और मैंने जला दिया, तो आपको बाहर से ऑक्सीजन मिल पाएगी, ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और आपने कार्बन जलाया है, वो लेस अमाउंट के ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बोलो? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड को आप अगर सोएंगे, सर्दियों में ऐसा ही करते थे ना, लेकिन घर बंद नहीं करते, सोएंगे तो आपके आपके पास कौन सी गैस जाएगी? ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन तो क्या बनाएगा? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बनाएगा? आप देखो, समझ में आया बात? क्लियर है? तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, समझना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज 300 टाइम्स मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आपका दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? अब आपको याद रहेगा कौन ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने बता दिया, यहाँ पर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की, वो भी कितने टाइम्स होती है? 300 टाइम्स। यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, 300 टाइम्स आपकी ज़्यादा होगी। क्लियर हुआ पॉइंट आपको? क्लियर हुआ पॉइंट आपको? आप देखो, अगर इसका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में हाईली अमाउंट में बन गया, ठीक है, आपके बॉडी में क्या बन गया बेटा? हाईली अमाउंट में। अगर आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आपके हाईली अमाउंट में बन गए, तो हाईली अमाउंट में बनने की वजह से ये आपको क्या करेगा बेटा? डेथ को कॉज करेगा, ठीक है, डेथ भी हो सकती है। समझ में आया? समझ में आया? इसी को क्या बोलते हैं? मीठी नींद। हंसते हंसते कट जाए रास्ते। समझ में आ गया? हंसते हंसते कट जाए रास्ते। समझ में आ गया? पता भी नहीं पड़ेगा कब मरोगे, लेकिन मर जरूर जाओगे, गारंटी है, ठीक है, समझ में आ गया। मरने, आत्महत्या करने के लिए सबसे सही तरीका ये है, सुसाइड करना हो तो ऐसे करो ताकि ना आपको प्रॉब्लम, मतलब क्योंकि ये सीओ आपको अनकॉन्शियसनेस भी आपको क्रिएट कर देगा। समझ में आ गया? चलो आगे बोलो। आगे देखो, आगे एक और ऑक्साइड है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए भी हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्यों हार्मफुल है बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। कार्बन डाइऑक्साइड वो तो हार्मफुल नहीं होना चाहिए, होना चाहिए क्या? लेकिन CO2 क्यों हार्मफुल है सबसे पहले बताओ। CO2 कैसे बनेगा बेटा बोलो? CO2 कैसे बनेगा बोलो? CO2 आपका बनेगा पहला तो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन अगर आपके प्लांट्स नहीं करेंगे तो क्या आपका CO2 बनेगा? हाँ, CO2 किससे बनता है? रेस्पिरेशन से। कैसे बनेगा आपका? रेस्पिरेशन से। तो सबसे पहला आपका रेस्पिरेशन से बन जाएगा, ठीक है, रेस्पिरेशन से आपको CO2 मिल जाएगा। सेकंड, आपने NCERT घर जाके पढ़ी थी ना, याद हो गया? याद हो गया बेटा टॉपिक? अगर हैंड टू हैंड पढ़ते हो तो याद होते जा रहे होंगे बेटा, ठीक है ना। जेट प्लेन वाला ये याद हुआ? जेट प्लेन आपके ओजोन लेयर के ऊपर क्यों उड़ते हैं? नीचे क्यों उड़ते हैं? नीचे एयर डेंसिटी ज़्यादा होती है ट्रोपोस्फेयर में, तो कि क्या होगा कि ब्लास्ट तो होने के, मतलब एयर वहाँ पर है ना, ड्रैगिंग फोर्स ज़्यादा लगेगा, और ड्रैगिंग फोर्स ज़्यादा लगने की वजह से एक्सीडेंटल होने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है ना। इसीलिए अब आप देखोगे कि फ्लाइट जब है ना, फ्लाइट भी सिंपल समझ लो, फ्लाइट जब आती है ना नीचे, धीरे 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 आती है, ऐसे नहीं आती कि सीधा फ्लाइट नीचे आती है, तो उसकी स्पीड क्या होती है? कम करते हैं ना। क्यों करते हैं कम? जितना ज़्यादा फ्लाइट है ना तेज उड़ेगा, उतना ज़्यादा ऊपर जाना पड़ेगा उसको। जितना ज़्यादा फ्लाइट स्लो उड़ेगा, उतना ज़्यादा उसको नीचे लाना पड़ेगा। समझ में आया? नीचे क्यों? क्योंकि एयर डेंसिटी ज़्यादा होती है। याद रहेगा? अब याद रखना है बस तुमको, कंबंशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल के कंबंशन से कौन सा कंबंशन होगा बेटा? कंप्लीट कंबंशन। कौन सा? कंप्लीट कंबंशन, ठीक है। और इसके बाद है ना, यहाँ पर आपका थर्ड वाला आप लोग जानते हो, CaCO3, कार्बन
कैल्शियम कार्बोनेट मतलब मार्बल, मार्बल को अगर आप करोगे तो CaO और CO2 गैस निकलेगी। ये आपका सॉलिड है, ये भी आपका सॉलिड है। फोर्थ आपका क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो, वोल्केनो इरप्शन। किससे बनेगा बेटा आपका? वोल्केनो इरप्शन से। अब देखो यहाँ पर वोल्केनो इरप्शन से क्या बना बेटा आपका? CO2 गैस निकलेगी, ठीक है ना। ये बातें ध्यान रखोगे आप लोग, इजी है कि टफ है? इजी है, सिंपल बात है। अब एक्चुअली समझना, यहाँ पर हमारे डेली लाइफ में क्या होता है, प्रोसीजर समझो थोड़ा बहुत। ये हमारा क्या है? ट्री। समझना, ट्री क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करेगा, मतलब CO2 को लेगा, O2 को बाहर छोड़ेगा। छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? ये एक फिनोमिना होगा, CO2 को लेगा, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ेगा। अब CO2 को लेगा, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ेगा, हम लोग क्या करते हैं? अरे हम लोग क्या करते हैं, पेड़ों को, ट्रीज को कटिंग करते हैं, कट कर दिया। तो प्रॉब्लम क्या हुई? CO2 लेने वाला गया तो O2 तो मिलना भूल जाओ। तो एनवायरनमेंट में CO2 जो एनवायरनमेंट में, मानो कि एनवायरनमेंट में CO2 है, CO2 अगर आपके ट्री ने लिया, ठीक है, और O2 दिया, अगर आपने उस ट्री को हटा दिया तो O2 तो मिलने से नहीं रहा, वो तो छोड़ो, लेकिन CO2 तो लेने वाला भी नहीं रहा। तो इसका मतलब एनवायरनमेंट में CO2 का कंटेंट आपका बढ़ जाएगा, CO2 का कंटेंट आपका बढ़ जाएगा। अगर हम ट्री को क्या करेंगे? कट करेंगे तो एनवायरनमेंट में CO2 का कंटेंट आपका क्या हो जाएगा? एनवायरनमेंट में क्या बढ़ जाएगा बेटा आपका? CO2 का कंटेंट बढ़ जाएगा। अब CO2 का कंटेंट बढ़ जाएगा तो O2, वो क्या आपको जीने के लिए CO2 की जरूरत है कि O2 की? तो ये वाला साइकिल कहीं ना कहीं ब्रेक आपका हो जाएगा, साइकिल आपका ब्रेक होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला साइकिल आपका क्या आपका हो जाएगा, साइकिल विल ब्रेक, ठीक है। अगर मैंने ट्रीज को कट किया तो क्या होगा बेटा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका, साइकिल आपका ब्रेक हो जाएगा, मतलब CO2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 आपकी इंक्रीज कर जाएगी। समझ में आ गया कंसेप्ट? हाँ। और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन का इंक्रीमेंट होना, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीज़न है। किसका रीज़न है बेटा ये आपका? ग्लोबल वार्मिंग। अब बताओ ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, किसी को याद है? तुम लोगों को काफ़ी इजी लगता है ग्लोबल वार्मिंग, इजी टॉपिक है ना, तो बताओ क्या होता है, क्या होता है बोलो? ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है बेटा, जल्दी बोलो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? इजी टॉपिक है, बताओ ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा? अब समझो, सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या समझते हैं हम? ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखो ग्रीन हाउस क्या होता है, सबसे पहले ग्रीन हाउस बनाते हैं, समझेंगे बेसिक कंसेप्ट से। ग्रीन हाउस बनाता हूँ, एक मैंने क्या लिया बेटा? ग्लास का कंटेनर लिया। ग्रीन हाउस कैसे बनाते हैं? एक मैंने ग्लास का सराउंडिंग लिया, ठीक है, समझा। यहाँ से सन आया, सन की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यहाँ आएगी कि नहीं आएगी? यूवी रेडिएशन आएगी। और यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर प्लांट्स है, अंदर क्या है बेटा? प्लांट्स है, अंदर क्या है बेटा? आपके प्लांट्स है। ये विंटर जहाँ पर विंटर या फिर जहाँ पर आपके टेम्परेचर कम होता है, वहाँ पर हम क्या बनाते हैं बेटा? ग्रीन हाउस बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? ग्रीन हाउस। अब बेटा किसी भी क्रॉप को डेवलप करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ टेम्परेचर की तो रिक्वायरमेंट होगी ना, ऐसा थोड़ी ना कि क्रॉप ऐसा थोड़ी ना कि ठंड में जनरेट होगी, नहीं होती ना। क्रॉप के लिए मुझे कोई ना कोई टेम्परेचर की तो रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा थोड़ी ना कि 0°C पे क्रॉप आपकी डेवलप हो रही है। तो क्रॉप को डेवलप करना है कि नहीं करना? तो क्रॉप को डेवलप करने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस से जो अल्ट्रा वायलेट लाइट आएगी वो क्या करेगा बेटा? ये आपका ग्लास का है, ग्लास का ट्रांसपेरेंट है,
ट्रांसपेरेंट है ना ग्लास, ये आपका ग्लास कैसा है बेटा? ट्रांसपेरेंट। ये क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा बेटा, अंदर का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा मतलब इतना बढ़ जाएगा जिससे प्लांट आपका ग्रो होने लग जाएगा। समझ में आया? ये तो मैंने क्या बनाया बेटा, ग्रीन हाउस। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया बेटा आपका, ग्रीन हाउस। अब हम बात कर लेते हैं अर्थ पे। अर्थ पे क्या होगा समझना, अर्थ पर क्या होगा कि ये मैं बना रहा हूँ अर्थ। अर्थ की बात कर लेते हैं, अर्थ पर क्या होता है, अर्थ पर हमारा यहाँ पर कोई ना कोई लेयर होते हैं, समझना। ओजोन लेयर तो बाद में, तुम्हें ओजोन लेयर के अलावा कोई लेयर ही नहीं पता। अब क्या होगा, सन क्या करेगा बेटा बोलो, सन क्या करेगा, चमकेगा, चमकता ही है ना सन, हाँ चमकता है। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अर्थ पर भेजेगा, थोड़े से भेजेगा। अब इसमें से क्या होगा बेटा, इसने भेजा, इसमें से 75% अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया, 75% अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया, और 25% आपको क्या कर देता है, क्या कर देता है बेटा, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। 25% क्या कर देगा बेटा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ पर जो आपके CO2 रहेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस, यहाँ पर कौन से गैसेस रहेंगे बेटा, ग्रीन हाउस गैसेस। अब देखो ग्रीन हाउस गैसेस मतलब, ग्रीन हाउस गैसेस क्या करेंगे बेटा, इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। यहाँ पर भी एब्जॉर्ब था ना, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर लेंगे, इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। और एब्जॉर्ब करके यहाँ के टेम्परेचर को क्या करके रखेंगे बेटा, मेंटेन करके रखेंगे। टेम्परेचर को क्या करके रखेंगे बेटा, मेंटेन करके रखेंगे। समझ में आया? समझ में आ गया, समझ में आ गया, बात क्लियर हुआ। अब अगर मैंने ट्रीज को कट कर दिया तो CO2 बढ़ गया, CO2 बढ़ गया। अब CO2 बढ़ गया तो ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, मतलब अगर मेरे ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो इसको एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। अब इसकी एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी बढ़ गई तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या मेंटेन रह पाएगा, टेम्परेचर विल नॉट मेंटेन। टेम्परेचर आपका मेंटेन नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। आप समझ में आया, CO2 का इनडायरेक्टली क्या खेल है, क्या खेल है, समझ में आया? तो ये टेम्परेचर आपका बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा बेटा, राइज आपका हो जाएगा। अब ये टेम्परेचर अगर आपका बहुत ही ज़्यादा राइज हो गया, मतलब आपकी जो अर्थ होती है, अर्थ के चारों ओर गैसेस की लेयर होती है ना, तो गैसेस की लेयर अगर बेटा अर्थ को, अगर अर्थ में अर्थ वो वहाँ से रेडिएशन आएगी, गर्मी आएगी, गर्मी में 75% तो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेगा, और एक्स्ट्रा अगर इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो इसने यहाँ पर भी एब्जॉर्ब करता है 25%। लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गई तो आपके क्या हो गए, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो क्या वो टेम्परेचर को मेंटेन रख पाएगा, नहीं। अगर वो टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज होगा, और टेम्परेचर राइज होने की वजह से क्या होगा, आइस मेल्ट होने लग जाएंगे। वो आपके आइस वाले जो एरिया है वो क्या हो जाएंगे बेटा, आपके मेल्ट होने लग जाएंगे। और आइस मेल्ट होगा तो क्या होगा बेटा, आपका फ्लड आ जाएगा। ठीक है, फ्लड आएगा। और आइस कौन से वाले में मेल्ट होंगे, पोलर आइस आपके मेल्ट होंगे, पोलर एरिया में जो आइस होंगे वो आपके मेल्ट होंगे, और मेल्ट होंगे तो क्या?